कराची में ओमिक्रॉन केसेस में मुस्तकिल इजाफा, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। तमाम केसेस लोकल ट्रांसमिशन से पहले शहर में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 3 रोज में मस्बत केसेस की शरह 2 से 6% हो गई। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का बहुत अहम मसला है। 1,000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक से होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बरामदात में इजाफे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे पर तवज्जो मरकूज है। पूरी कोशिश है सरमायाकारी में रुकावटों को दूर करें। मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। जमात इस्लामी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक्ट आइन से मुतसादिम है, कानून साजी नहीं हो सकती। नए एक्ट के तहत रहे सही अख्तियार भी छीन लिए गए। पीपल्स पार्टी ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जे कर लिए। सईद गनी ने कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दुकानदारी चमकाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। पीटीआई और एमक्यूएम को मालूम है बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त होगी। लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज के बाद हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई। एक हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने काली जैकेट पहन रखी थी, मुंह रुमाल से लपेट रखे थे, कुछ दूर जाकर रुमाल हटा दिए। पुलिस का कहना है तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम आरिफ गुल को हब्स बेजा में रखने का केस अदालत में पेश न करने पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। क्या आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? आरिफ गुल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी के मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म। जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए कारोबार करने वालों की खोज, एफएटीएफ ने फहरिस्त तलब कर ली। नादरा ने तफसील एफबीआर को फराहम कर दी। बैंक से उन शनाख्ती कार्ड पर बनाए अकाउंट की तफसील भी तलब। मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टेस्ट के बाद वनडे और टी20 क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। बोले करियर से मुतमईन हूं, हमेशा मुल्क के लिए खेला, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, इंटरनेशनल लीग खेलूंगा। रवा साल 2 चांद और 2 सूरज ग्रहण होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ साल का आखिरी चांद ग्रहण जुजवी तौर पर दिखाई देगा। 30 अप्रैल और 1 मई के दरमियान पहला जुजवी सूरज ग्रहण होगा। पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 16 मई को होगा। आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।